हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रचना अब्रोल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत कॉमन और इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। क्या ये सेफ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करें। क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जी हाँ, लेकिन द गुड थिंग इज कि मोस्टली जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं वो माइनर हैं और धीरे धीरे वो आपकी बॉडी जैसे आप लेते हैं यूज्ड टू हो जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। उनमें से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इरेगुलर ब्लीडिंग होना, जैसे कि जब कोई लेडी बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू करती है, कुछ महीने के लिए उनको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। सबको नहीं होती, लेकिन कईयों को हो सकती है। कईयों को मूड चेंजेस भी होते हैं, वो फील करती हैं कि उन्हें कई मूड चेंजेस होते हैं। कईयों को ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट में थोड़ी पेन होती है, कईयों को थोड़ा हेडेक होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे बॉडी इससे यूज्ड टू होती है तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, एंड अगर सब ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने बर्थ कंट्रोल पिल्स। एक बहुत बड़ा मिथ है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स से वेट गेन होता है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज हुई हैं एंड सब स्टडीज में यही देखा गया है कि कोई सिग्निफिकेंट वेट गेन नहीं होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स से, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से वेट गेन नहीं होता है। क्या इससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, कोई चेंजेस होंगे, इसके बारे में ये बताऊंगी कि एक बार आपकी बॉडी यूज्ड टू जब हो जाती है तब आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते हैं। किसको बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेने चाहिए, किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनके गॉल ब्लैडर में, जिनके पित्ते में पथरी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। जो एल्डरली हैं, अबव 40 हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। किसी को अगर माइग्रेन, डायग्नोस्ड माइग्रेन है तो वो भी उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई लेडी स्मोक करती है, स्पेशली अगर वो एल्डरली हो, तो भी उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे एक जो मेजर साइड इफेक्ट है ब्लड क्लॉट होने का, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 98% है, और अगर ये अंडर मेडिकल सुपरविजन ली जाए तो ये काफ़ी सेफ हैं, और लंबे टाइम के लिए, कई सालों के लिए भी ये कंटिन्यू हो सकती है। थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।